एक मसीह को चीजों के पीछे भागने की योग्यता नहीं दी गई है, क्योंकि उसको चीजें लाके दी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको भाग के भी मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपको योग्यता क्या दी गई है? राज को समझो, और सारी चीजें किसके अंदर हैं? राज के अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड। डिलीवरी कहाँ है? राज में। तो आपको राज्य सचेत होना पड़ेगा। बोलिए, मैं राज्य सचेत। मैंने कहा राज्य को खोजने का मतलब क्या है? राज्य को समझना, राज्य में जीना और राज्य को बढ़ाना। मुझे हमेशा से पता था मुझे राज्य समझ में आ गया है, मुझे सब समझ में। और जितना ज्यादा आप ये करोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का राज्य आपके अंदर बढ़ता जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को उठा सकते हैं, बातचीत कीजिए परमेश्वर से, उसका धन्यवाद दीजिए अपने दिल की गहराई से। वो सब जो उसने आप में, आपके लिए और आपके द्वारा किया है, ओ धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी दया सदा की है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद वो विजय जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है अपने आत्मा के द्वारा, कि हम आपके वचन से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्मा है, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। पड़ोसी स्वागत करते, बड़ी स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो मेरे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में है। हालेलुया। सो आज से हम फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज रिफ्रेश करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है, पर बहुत सी बार, क्योंकि उस पर बार बार बात नहीं की जाती है, बहुत कम लोग हैं जो प्रयास करते हैं उस तरीके से जीने का। चलिए हम खोलते हैं मत्ती का 6 और 33 वचन। पहले इसलिए पहले तुम, ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, पता है आपको, लोग पहले मांगना सीखते हैं, राज ढूंढना नहीं सीखते, जबकि बाइबल में साफ साफ लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज। यानी जिस दिन आप मसीह में चर्च में आए, आपका काम क्या था? राज को समझना। कुछ लोग तो 20 भी अभी नहीं समझते, आए थे तो भी मांग रहे थे रोटी कपड़ा और मकान, 20 भी क्या मांग रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, क्या किया फिर आपने 20 पहले? नौकरी पे जाने से पहले क्या समझ लो? राज्य। कुछ करने से पहले क्या समझ लो? राज्य। वो बता रहा है, कोई यहां पर संशय नहीं है, कोई यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ लिखा है। पहले तुम क्यों? क्योंकि तुम्हें राज दिया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मुझे राज दिया जा चुका है, मैं राज में हूं, मैं राज में हूं, तो पहले मैं क्या सीखूं? राज के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? अपना फोकस चेंज कर दीजिए लाइफ, कि जब तक आपका ये फोकस नहीं है, बाकी सारी चीजों के पीछे आप पागलों की तरह भागते रहोगे, और शायद वो आपको मिलेंगी भी, क्योंकि उनके पीछे भागने की योग्यता, ओ बॉय, कैसे बताऊं आपको, सोच रहा कौन सा एग्जाम्पल लाऊं ताकि जो मैं कहना चाहता हूं वो ढंग से कह पाऊं। अभी मैं सोच रहा हूं। अच्छा चलिए, कितने पता है ट्रेन, कितने लोग कार जानते हैं? अब मान लीजिए कार आपको घर से आके पिक कर सकती है, कर सकती है, पर क्या ट्रेन कर सकती है? कर सकती है। ट्रेन के पास
आपको घर से पिक करने की योग्यता नहीं, कार के पास आपको घर से पिक करने की एबिलिटी है। वैसे ही एक मसीह को चीजों के पीछे भागने की योग्यता नहीं दी गई है, क्योंकि उसको चीजें लाके दी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप भाग रहे हो, आपको वो योग्यता भी नहीं दी गई, आपको भाग के भी मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपको योग्यता क्या दी गई है? राज्य को समझो, और सारी चीजें किसके अंदर हैं? राज्य के अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ट्रेन आपको आके पिक नहीं कर सकती, आपको ट्रेन के पास जाना पड़ेगा, पर कार आपको आके पिक कर सकती। तो यहां पर क्या कह सकते हैं? राज क्या है, कार क्या है, सब कुछ होम डिलीवरी है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, सब कुछ होम डिलीवरी, किंगडम डिलीवरी। होम डिलीवरी क्या बना जाए? किंगडम डिलीवरी। बोलिए, एवरीथिंग इज डिलीवर्ड इन ऑन द इन द किंगडम। बोलिए, हर चीज की डिलीवरी किंगडम में होती है। हेलो 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 हेलो, क्यों समझ में आ रहा है? अगर आपके घर पे आपने सामान मंगाया और आप कहीं चले गए, क्या आपको सामान मिलेगा? सामान कहाँ डिलीवर होगा? घर पे। ऑफिस में डिलीवर फिर, क्योंकि आपने एड्रेस कैसे डाला था? ये समझ में आता ना, क्योंकि डिलीवरी सबको सेम। अगर आपने घर का एड्रेस डाला, सामान कहाँ डिलीवर होगा? या ऑफिस में? यहां पर भी सारी चीजें डिलीवर कहां होती हैं? किंगडम में, राज्य में। तो अगर आप राज्य नहीं समझोगे, जो डिलीवरी है वो कहां होती रहेगी? लगातार राज्य में। और आप डिलीवरी कहां चाहते हो? राज्य के बाहर, जो कि डिलीवरी का स्पॉट नहीं है और एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। एड्रेस परमेश्वर ने फिक्स कर दिया, लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि डिलीवरी कहां पे हुई है? राज्य में। तो अगर राज्य आपको समझ में नहीं आता, जो डिलीवरी है होती रहेगी, आपको नहीं मिलेगी, होती रहेगी, आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने कहा ना, इन चिंता मत करना, पर ये सब डिलीवर कहां होता रहेगा? राज्य में। आपका घर कहां पे आएगा? राज्य में। दिन भर का राशन कहां आएगा? राज्य में। पर सवाल है, क्या आप राज्य में फंक्शन कर रहे? अगर आप इस राज्य को नहीं समझ रहे हो, तो आप अपनी डिलीवरी से क्या कर रहे हो? चूक रहे हो। आपको प्रभु कुछ आया ही नहीं, प्रभु कहेगा डिलीवरी वहां थी, तू वहां था ही नहीं। डिलीवरी कहां है? राज्य में। तो आपको राज्य सचेत होना पड़ेगा। बोलिए, मैं राज्य सचेत। हेलो, पड़ोसी बोले राज्य सचेत, राज्य सचेत, राज्य सचेत। बोली, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, परमेश्वर का राज्य मुझ में है, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, परमेश्वर का राज्य मुझ में है, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, परमेश्वर का राज्य मुझ में है। हेलो, है क्या? ये आपका काम है। अगर आप इसमें मेहनत कर लोगे, आपको दुनिया की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप दुनिया की तरह मेहनत कर भी रहे होगे, पर सारा का सारा पैसा लाके आप कैसे दे सकते हो? परमेश्वर, क्योंकि बाकी चीजों की डिलीवरी तो फ्री में हो रही हो। प्रेज द लॉर्ड। फ्री, बट आपको पहले राज्य सचेत होना पड़ेगा। डिलीवरी किसमें है? राज्य। तो दुनिया की तरह हो, प्रभु नौकरी दे दो, प्रभु नौकरी दे दो, इज गुड, पर उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपके पास नौकरी नहीं होनी चाहिए, पर मैं क्या कह रहा हूं, आपको राज्य सचेत पहले होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम, बोलिए पहले तुम, पहले ना कि बाद में। तो जब आप सुबह उठते हो, कौन सी चीज है जो आप करना चाहते? इसीलिए हमने आपसे कहा रैप्सोडी पढ़ी, इसीलिए हमने आपसे कहा सेल में जाइए, इसलिए हमने आपसे कहा सेंटर बनाइए, क्योंकि ये चीजें क्या हैं? राज्य की हैं, ये राज्य की चीजें। मैंने कहा राज्य को खोजने का मतलब क्या है? राज्य को समझना, राज्य में जीना और राज्य को बढ़ाना। तीन स्टेप है वहां पर।
राज को समझना, राज को जीना, राज को बढ़ाना, आप इसीलिए हो। आपकी सारी डिलीवरी अगर आप ये तीन काम कर रहे हो, आपको बाकी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या आप राज को समझ लो, राज को जी लो और राज को बढ़ा लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? बोलिए, राज को समझना, राज को जीना, राज को बढ़ाना। मैं आपको बता नहीं सकता, अगर ये तीन चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएं, आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है, आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। अगर आप इस राज को समझ लो, आपको नहीं पता है, मैंने ऐसा आपसे पहले ही कहा, जिस दिन दुनिया को पता लग जाएगा हम कितने बुद्धिमान हैं, दुनिया सारा पैसा हमारे हाथों में लाके दे देगी। मैंने आपसे पहले भी, क्योंकि मुझे पता है राज समझ में आता है तो दुनिया समझना क्या है, बच्चों का खेल। पर सवाल है कि आपको राज समझ में आता है? सवाल है कि आप राज में जी रहे? सवाल है कि आपका दिमाग राज को बढ़ाने पर लगा हुआ? राज की समझ, इसको समझने में टाइम लग जाएगा, और जब समझ जाओगे आप राज कर रहे होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे हमेशा कहा, इस दुनिया मैं चलाऊंगा, नहीं कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अपने रास्ते पे, अपने रास्ते पे एंट्री, चिंता मत कीजिए। बिकॉज़ आई ऑलवेज न्यू, मुझे दोनों लोगों से ज्यादा पता है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, मुझे राज समझ में आ गया, मुझे हमेशा से पता था, मुझे राज समझ में आ गया है, मुझे सब समझ में आ गया। मेरा विश्वास आसमान के ऊपर निकल चुका, मुझे लगता ही नहीं है कि किसी को मुझसे ज्यादा आता, जबकि मैं सीखने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे राज समझ में आ। जो लोग दुनिया जी रहे हैं वो राज को क्या ही समझ, जिनको राज्य के बारे में पता ही नहीं है, वो मुझे क्या सिखा पाए। बोली, राज सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो। खोज का मतलब क्या है? समझो, जियो, बढ़ाओ, दिखाओ। बोली, समझो, जियो, बढ़ाओ, दिखाओ। सुन रहे हैं? तो आपको अपनी बाइबल लेनी पड़ेगी, आपको पास अग्रेस के संदेश सुनने पड़ेंगे, आपको उस रेप्सोडी में अपना दिमाग डालना पड़ेगा, उस सेल को चलाना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के राज को समझ पाओ, समझ पाओ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सेल लीडर नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं है। बात सर, हमारे पास टाइम नहीं। मैंने, टाइम नहीं, यही तो आपका काम है, टाइम कैसे नहीं? जिस काम के लिए आप पैदा हुए, उस काम को करने का टाइम कैसे नहीं है? इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकता है? पास्टर, हमसे सेल नहीं चलेगा, हमसे ये नहीं होगा। मैंने, फिर क्या होगा आपसे? इसको करने के लिए आप बनाए गए हो, यही आपका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। हे पास्टर, नौकरी से 11 बजे निकलते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा, ओके, आप नौकरी से 11 बजे निकलते हो, ये जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, इनके साथ आपने सेल शुरू किया क्या? बोली, सबसे पहले, सबसे पहले पास्टर आइज़ैक। अच्छा, मैं, आप क्या करोगे फिर? बोली, सबसे पहले मैं परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? तो जब आपसे कहा रेप्सोडी पढ़ो, रेप्सोडी पढ़ोगे तो आपको राज समझ में आएगा। समझ में आए, आप उसको जानोगे, आप उसको जी पाओगे। जब आप सेल चलाओगे तो आप राज को बढ़ा रहे हो, जब आप रेप्सोडी बांट रहे हो आप सेल को बढ़ा रहे हो, जब आप सेंटर बना रहे हो आप राज को बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये आपका काम है। और जितना ज्यादा आप ये करोगे,
उतना ही ज्यादा परमेश्वर का राज आपके अंदर बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, बोले परमेश्वर का राज। पता मैरिज काउंसलिंग की, तो पता मैरिज काउंसलिंग, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बात कर रहा था। मैंने कहा कि, तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि जो डिवोर्स होते हैं उनके जो काउंसलर्स उनको ट्रेन कर दो। तो मेरी पिछले हफ्ते था मैं पुणे में, वो सारे सब कुछ फाइनल हो गया कि कैसे ट्रेनिंग लेनी, क्या करना है। मैंने कहा ये तो अच्छा है कि हम जो डिवोर्स कराने आते हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग शादी करने आए उनकी भी काउंसलिंग हो जाए। कहते आज तक किसी ने नहीं बोला। उन्हें क्या बात कर, उन्होंने बैठे बैठे लेटर टाइप करवा दिए कि आज से जितने लोग कोर्ट में शादी करने जाएंगे वहां पे उनको काउंसलिंग करवाना जरूरी है। पास भी हो गया होगा इतनी जल्दी। सुन रहे हैं? राज, बोलिए राज, राज। क्योंकि अब जब राज बढ़ जाता है ना, लोग आपको ना नहीं कह पाते। तो मैं इंडिगो एयरलाइन में था, एक फ्राइडे सैटरडे लौट रहा था मैं नाइजीरिया से, तो वो जो स्नैक्स देते हैं वो मुझे पसंद नहीं आए। उसमें वो लोग राइस फ्लेक्स का देते हैं, तो पता ना जैसे मूंगफली जैसा कुछ बना के देते हैं वो चावल का। मैंने कहा ये क्या बकवास दे रहे हो तुम लोग, अच्छा दो ना। तो पीछे घूमती, सर आज तक किसी ने नहीं कहा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना। फिर अगले हफ्ते MBTC के लिए संडे को गए हम लोग, संडे को गए। मैंने उनसे कब बोला था? सैटरडे को, कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोले आप सर लिख के दो, मैंने लिखने का टाइम नहीं है, बोल दो जाके कि, बोले सर आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने बोला उनको सैटरडे को कि ये जो स्नैक्स दे दो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा क्वालिटी का दो ना। मैंने कि मूंगफली दे दो यार, ये क्या तुम लोग राइस फ्लेक्स दे रहे हो, सब मुँह में चिपक जाता है अंदर। कोई बात नहीं, मैं संडे को गया, संडे तक स्नैक्स चेंज हो गया था, उन्होंने बादाम देने शुरू कर दिया। ताली भी नहीं बजा। राज क्या है? जब आप राज को जीना शुरू कर देते हो, हर चीज आपके, आप जो कहते हो लोग करने को तैयार हो, जो चाहो, क्योंकि आप राज में इतना फंक्शन कर चुके हो कि लोगों को समझ में आता है कि इस आदमी की नहीं सुनी। क्योंकि राज में, राज में जीने का मतलब है आपने राजा की तरह जीना सीख लिया। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब किसकी है? राजा की। और लोगों को पता है कब राजा बात करते हैं, कब गरीब आदमी बात करते हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके मुंह से क्या निकलता है, राजा की भाषा या गरीबों की भाषा। बहुत से लोगों को जब मैं सुनता हूं, मैं कहता हूं हे प्रभु, अगर मैं इस व्यक्ति के चर्च में जाऊं 1 करोड़ देने का मन बनाऊंगा, 1 रुपया देके आ जाऊंगा, क्योंकि भाषा किसकी है? गरीबों, भाषा गरीबों। तो बहुत सी बार लोगों को राज समझ में नहीं आता है, तो जो वो बोलते हैं वो गरीबों की भाषा बोलते हैं, वो दुनिया की भाषा बोलते हैं। उनके शब्दों का चुनाव गरीबों के शब्दों का चुनाव, उनका बोलने का लहजा गरीबों के बोलने का लहजा, उनके चलने का तरीका गरीबों के चलने का तरीका, क्योंकि राज को उन्होंने कभी समझा नहीं, राज को कभी उन्होंने जिया नहीं, राज को कभी बढ़ाया नहीं। तो राजा की जो जीवन शैली है वो उनके अंदर आई भी नहीं। कोई वंडर नहीं कि जो चीजें राजाओं के लिए आनी चाहिए वो उनके पास कभी आती नहीं, और वो मांगते रहते हैं प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। क्योंकि तो सब कुछ इसमें दिया जा चुका है, राज में दिया जा चुका है। बोले सब कुछ राज में दिया जा चुका है। खुश हो, बोली सब कुछ राज में दिया जा चुका है, सब कुछ राज में दिया जा चुका है, सब कुछ राज में दिया जा चुका है। जब आप इस राज को जी लोगे, हर चीज जो राजाओं के लायक है वो आपके कदमों में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो, किसी को समझ में आ रहा है? अगर मैं भी आपके घर आ जाऊं तो मुझे पता पनीर और मिल ही जाए, आप मुझे दाल नहीं देने वाले हो, अनलेस मैं आपसे कहूं दाल मुझे पसंद है। अगर मैं आपके घर भी आ जाऊं, आप मुझे उल्टा सीधा कुछ भी देने वाले नहीं, आपका घर साफ हो जाएगा, रंगाई पुताई हो जाएगी,
जो बल्ब टूटा हुआ है वो बदल जाएगा, जो पंखा खड़खड़ कर रहा था वो सुधर जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको भी पता अगर मैं आ जाऊँ, आप सोच रहे होगे कुछ लोग इसीलिए नहीं चाहते पास्टर उनके घर आए, बोले पास्टर ना आए तो अच्छा है क्योंकि पास्टर के लायक घर नहीं। कितनों को पता, क्यों आप ऐसा सोच रहे? क्योंकि आपको मेरी जिंदगी से पता है ये आदमी बहुत बड़ा है, इस चीज के लायक नहीं है। कैसे आपको पता है? मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि मैं आपके घर आना नहीं चाहता? मैंने कहा आपका घर छोटा है? मैंने कहा आप गरीब हो? नहीं कहा मैंने। पर मेरे जीने के तरीके से आपको पता लग जाएगा। हाँ हाँ, क्या मैं मर्सिडीज में आता हूं? मैं मर्सिडीज में आता हूं? आता हूं क्या? आता हूं मारुति उसमें। फिर भी आपको पता है आदमी राजा है। तो आपसे यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा, पहले तुम, बोली पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा को समझो, जियो, फैलाओ, बढ़ाओ, दिखाओ और सब वस्तुएं तुम्हारे कदमों में होगी। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए अन्य भाषाओं, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। राजा लोग राजाओं से बात करते हैं और बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। आप राज्य के हो और आपका एक पिता है जिससे आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर के राज्य का हूँ। खुश हो, बोली मैं परमेश्वर के राज्य का हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ और परमेश्वर का राज्य मुझ में है। तीनों चीजें अलग है। बोली मैं परमेश्वर के राज्य का हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ और परमेश्वर का राज्य मुझ में है। हालेलुया। और आपका काम क्या है? समझना, जीना और बढ़ाना। अगर ये तीन चीजें आप कर सकते हो, पूरी दुनिया आपके कदमों में पड़ी हुई, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया आपकी सुनने को तैयार होगी, आपके साथ चलने को तैयार होगी। क्योंकि राजा के साथ जीना कौन नहीं चाहता? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के साथ चलना लोगों के लिए सम्मान की बात होगी। जिस दिन आप इस राज को जीना सीख लोगे, हर चीज आसान हो, हर चीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चला सकते हैं महिमा, महिमा। सही समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का, और ये सब चीजें कीजिए। सही ना? राज को बढ़ाइए, अपने पैसे से बढ़ाइए, अपनी प्रार्थनाओं से बढ़ाइए, अपनी मेहनत से बढ़ाइए। आपकी हर चीज राज को बढ़ाने में लगी होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए आप नए जन्मे हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान और समझ देने के लिए। जैसी हमने अपनी भेंटों को दिया है प्रभु, आपके वचन के अनुसार हमने किया है और इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ, हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज्य के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए।
अब मेरे पास अनंत जीवन है, अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था, पास्टर क्रिस के साथ बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।